कई चीज़ा जी एडमिनिस्ट्रेटिवली जी हिकअप सी क्योंकि हाउसिंग एक यहोजा डिपार्टमेंट है जिसने खुद आप भी डिवेलपमेंट करनी होंगी है तो एक यहोजा एटमोसफेयर भी देना होंगे जिद प्राइवेट प्लेयर्स ने जोड़े वो भी आके उस हिस्सा पा सकन और दोनों एक दूजे न हैल्दी वे दे कंपीट करते और एक दूजे कॉम्प्लीमेंट करते नज़र आने चाहिए ने। सो इस साडा इन द लोंग रन साडा जिहड़ा मेन फोकस रहूगा वह इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट के उपर रहूगा ताकि एक जो माहौल डिवेलप कर सकी कि प्राइवेट डिवेलपर्स आन वह भी इनवैसट कर और वड्डे एरियाज ने जिहड़े वो असी प्लान कर रहे हैं इन फ्यूचर कि उन्होंने खोलिया जाए। कई हुण मौके दे उपर जे आपां गल करिए कई साड़ियां वर्ल्ड क्लास जिवें एट्रोपोलिस है वो चल रहा है, ईको सिटी 3 का प्रोजैक्ट है वो साड़ा पाइपलाइन दे विच 101 सैक्टर दे विच इंडस्ट्रियल जोन है 500 एकड़ का वो चल रहा है। ये तकरीबन 7000 एकड़ के करीब है जिहड़ी वो डिवेलपमेंट है जिहड़ी वो हाउसिंग वालों खुद आप की जा रही है। पिछले दिनों तुसीं सुनिया होएगा कि असी मेरी पूरी डिपार्टमेंट की टीम लैके असी हैदराबाद गए थे, फिल्म सिटी साड़ी इत्थे लैके आउण दा दी प्रपोजल है। इस तरीके दे नाल आईटी दे विच क्योंकि आईटी एक ओह सैक्टर है जिस दे विच जिहड़ी एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव है, जमीन पंजाब दे विच लैंडलॉक स्टेट है, जमीना महंगीआं ने, एम्प्लॉयमेंट की वड्डे पद्धर दे उपर जरूरत है। आईटी दी असी इकनोमी पॉलिसी लैके आ रहे हैं, बड़ी बड़ी प्रोग्रेसिव पॉलिसी लैके आ रहे हैं जिदे च वर्ल्ड ओवर असी जिहड़े वड्डे प्लेयर्स ने उन्होंने इनवाइट कर जा रहे हैं ताकि वो आके इत्थे इनवैसट कर सकन। जिहड़ियां डिवेलपर्स नूं लंबे समय तो दिक्कत आउंदियां सीगियां उहदे विच बॉटलनेक्स बहुत सीगे, बॉटलनेक्स सीगे डिपार्टमेंट दे लेवल दे उपर, गवर्नमेंट लेवल दे उपर। कई तां तुहानूं दस दिओ मैनूं हैरानी भी हुंदी और बड़ा परेशानी भी पिछले समय के रही कि जे एक किसी ने आटा चक्की का भी CLU लेना है तो वह भी फाइलों ने जिहड़ियां मंत्रियों तक आई जांदियां सी, पता नहीं रीज़न तो उन्होंने ज़्यादा पता सीगे। इहनूं असीं जो दी मैनूं मान साहब ने जिम्मेवारी सौंपी है असीं उहनूं सारे प्रोसैस नूं डीसेंट्रलाइज कर दिता, सारी सारियां पावर्स ने जिहड़ियां वो डीसेंट्रलाइज डेलीगेट करके नीचे CAs नूं जिहड़ियां ने वह दे दित्तियां गईयां सिटी तक, साडे तक सैक्रेटरी प्रिंसीपल सैक्रेटरी तक मेरे तक नो फाइल नथिंग इज़ रिक्वायर्ड। वो विदिन टाइमलाइन बजवें दिनों के फाइलों ने जिहड़ियां एप्लीकेशन जिहड़ियां वो क्लीयर हो जाणियां ने। सो ये सारियां चीज़ां ने जिहड़ियां असी लैके आ रहे हां। मैं इस तो पहला तुसी कनैक्टिविटी की गल कर रहे सीगे जी, बिल्कुल कनैक्टिविटी एक मेजर फैक्टर हुंदा किसी भी जगह की डिवेलपमेंट के लिए। बाकी जिहड़े एयर कनैक्टिविटी या रेल कनैक्टिविटी की NHAI वालों भी गल हुई है। असी एक इंटरनल असी थोड़े दिन पहले ही असी इहदे उपर फैसला किया कि MRTS और BRTS जिहड़ी कि समझ लो मैसेज मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और इहनू मैट्रो की तर्ज के उपर लाइटर वर्शन ऑफ मैट्रो, मैट्रो ली नियो एंड मैट्रो लाइट वो भी असी राइट्स हैक ऑर्गेनाइजेशन उन्हों असी अप्रोच कर लगे ताकि एक फीजेबिलिटी स्टडी है जिहड़ी वो कराई जा सके मोहाली दी, लुधियाणा दी, अमृतसर दी, ताकि क्योंकि कनैक्टिविटी अज दी डेट सब तो इंपॉर्टेंट है। सो विदिन बाहरों NHAI कर सकती है, एयर कनैक्टिविटी जरूरी है, रेल कनैक्टिविटी बाहरों तो हो जाएगी पर विदिन सिटीज़ जिहड़ा कंजैशन हो जाता है ना जी वो तुहाडी बहुत एफिशेंसी है जिहड़ी बहुत हिट करती है। सो वो उपर भी काम जिहड़ा वो वड्डे पद्धर दे उपर अमन जी कदों तक मान सकते हैं। देखो मोहाली नूं असीं गुरुग्राम या फिर नोएडा वर्गे जिहड़े शहर ने कदों तक कंपेयर करिए कि पंजाब की नवी सरकार है, नवा प्लैन है, उन्होंने शहर को असी बीट कर राह दिता नहीं पर असी नेड़े तेड़े कद तक असी मन सकते हैं। देखो इस तरह होंगे कि तुसी किसी नूं भी तुहाडा तुहाडे सवाल नूं मैं गलत नहीं कह सकता, आप जिहड़ा कंपैरिजन है वह आप गुरुग्राम या किसी होर सिटी दे नाल जे आप ये भी आप उहना वर्गे कदों बन जाएंगे, उन्हां वर्गे वो अपने तो दो स्टैप होर गाह हो जाएंगे। वॉट आई मीन टू से इज के तुसी बेस्ट ऑफ एवरीवेयर यू शुड पिक इट अप,
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਇਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਦੇ ਮਤਲਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁੜਗਾਓਂ ਦੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਗੁੜਗਾਓਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵੈੱਲ ਡਿਵੈਲਪਡ ਨੇ, ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੇਮ ਗੋਜ਼ ਫੋਰ ਆਰ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਮੋਹਾਲੀ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਫਰੋਮ ਜ਼ੀਰੋ ਸਕਰੈਚ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੜੇ ਵੈੱਲ ਪਲੈਨਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਵੀ ਗੋ ਟੂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਨਿਆਗਾਓਂ ਟਾਈਪ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਲੈਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਨੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਵਾਟ ਆਈ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਇਜ਼ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੋਲਿਸਟਿਕਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਨ ਲਾਰਜਰ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁੜਗਾਓਂ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫੋਰਨ ਦੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲੈਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਰੀਕਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਯੂ ਕੈਨ ਹੈਵ ਅ ਸਿੰਗਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਏਰੀਆ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਊਟਰ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਏ। ਵਾਈ ਡੂ ਹਾਊਸਿਸ ਹੈਵ ਟੂ ਹੈਵ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲਸ ਵਿਦ ਇਨ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦੈਮ? ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਲ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਟਰੋਪੋਲਿਸ ਸਿਟੀ, ਗਲੋਬਲ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੈਟਰੋਪੋਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਈਕੋ ਸਿਟੀ 3 ਦੀ ਕੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਨਗੋਇੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਫਿਊਚਰਿਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਉਹ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਓਨੈਸਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਜਿਹਦਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨਸ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੈਟ ਹਿੱਟ ਦ ਇਮੇਜ ਆਫ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਸਮ ਪੀਪਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਲੈਨ ਆਊਟ ਹੋ ਜੇ, ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮਿਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਜਰਮਨੀ ਵੀ ਗਏ, ਇਨਵੈਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੰਜੀਨੀਅਲ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੜਾ ਫਰੈਂਡਲੀ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਕ ਐਂਡ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਉਹੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਔਫਰ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈਂਡ ਲੌਕਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਕੋਈ ਲੈ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਲਾਹਾ ਲਊਗਾ। ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਰੋਥ ਇੰਜਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਰੋਥ ਇੰਜਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜੀ, ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਗਮਾਡਾ ਜਾਂ ਪੁੱਡਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ 'ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਗਾਏਗੀ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਲੀ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਗਰੋਥ ਦਾ ਇੰਜਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਕੱਲਾ ਇੰਜਨ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਸ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸ਼ੋਕੇਸ ਵਿੰਡੋ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੋਥ ਇੰਜਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਗਲਾਡਾ ਆ ਗਿਆ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਥਾਰਟੀ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ, ਜਲੰਧਰ ਆ ਗਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਗਈ, ਬਠਿੰਡਾ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਓਵਰਆਲ ਮੈਂ ਵਿਊ ਦਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ
वह आपो अपने कंफर्ट जोन के बैठा सगा कि मोहाली वाले ने सिर्फ मोहाली से फोकस करना जबकि तीन चार डिस्ट्रिक्ट की ज्यूरिसडिक्शन है। गलाडा ने सिर्फ लुधियाने से फोकस करना है, तीन चार डिस्ट्रिक्ट की ज्यूरिसडिक्शन है। सेम गोज़ फॉर बठिंडा, अमृतसर, जलंधर। सो वॉट आई मीन टू से इज़ कि फॉर द फर्स्ट टाइम वी डिसाइडेड जो चार महीने पहला मैंने जिम्मेवारी मिली कि आपके कंफर्ट जोन के निकल के ये सारिया अथॉरिटीज़ ने जिहड़ियां ये टीयर टू सिटी टीयर थ्री सिटी उन्होंने भी जाएगियां। जे उन्होंने जावे तो जो उन्हें पूडा दप्रूवड कॉलोनीज की प्रेजेंस होगी, पूडा दपदी कॉलोनीज हो ही लोगों चंकी हाउसिंग है जी मिल सकेगी। ही जी इलीगल कॉलोनीज 14,000 कॉलोनियाँ पंजाब घट गई, वो क्यों घट गई? वो इस करके घट गई क्योंकि पूडा ने हाउसिंग डिपार्टमेंट ने आप काम नहीं किया। बहुते जोड़े बहुत जो पोलीटल लीडर से आप वह कॉलोनाइजर बन गए। अफोर्डेबल हाउसिंग की पॉलिसी इन्नी क स्ट्रिक्ट करती कि चंकी भली पॉलिसी छड़ के बंदा इलीगल राह चल पैंता। बाद रेगुलराइजेशन की पॉलिसी लिया आते 13 चाहिए 16 चाहिए 18 चाहिए, तो इलीगल कॉलोनीज आ मशरूमिंग 14,000 कॉलोनीज की होगी। सो हुण उसे नूं कर्ब करने लई, उस ट्रेंड को खत्म करने लिए असी अफोर्डेबल हाउसिंग की पॉलिसी है जी सारे पंजाब के डिवेलपर्स मिले, होर साथियों मिले, जो उन्होंने कहा कि अफोर्डेबल हाउसिंग की पॉलिसी तुसी रीजनेबल करो और ईजी करो, असी वो कर दिता ताकि लोगों इलीगल कॉलोनी वाले पास जाने लिए मजबूर ना किया। पर अमन जी आनंद घरत कलोनिया ही मैं आना सी, बहुत वधिया पॉइंट अपने प्रेज किया सर। वड्डी गल इत्थे ही सी कि आनंद घरत कलोनी तो पंजाब की जमीन पर कटिया, हाँ जी अन अधिकारित कलोनियां पंजाब च बनिया सर, फायदा खट्टना लैने फायदा खट्टिया, पर आम लोग बड़े परेशान ने, खास करके NOC रजिस्ट्रियां नहीं हो रही, सरकार कद तक सर इसनों चैनलाइज करन जा रही है जी? देखो इस तरह कि मैं यही कह रहा सीगा कि जदों सैल्फ इंट्रस्ट स्टेट के इंट्रस्ट तो उपर हो जाना तो फिर यहोजा कोई मैसअप है जोड़ा वो हो ही जाता हूँ। हूँ पिछले समय के होया की है कि क्योंकि बहुत सारे शायद पोलीटिकल लोगों के आपदे इंट्रस्ट रहे, जेडे सीधे पुद्धे काम हो सकते सही तरीके उन्होंने स्क्रू टाइट करी रखिया, इलीगल कॉलोनी वाले पास लोगों को धक्की रखिया। जदों वोटों की तो नोटों की लोड़ होंगी सी उदों डिवेलपर्स नूं बुलाउंदे सीगे ते रेगुलराइजेशन पॉलिसी लियाउंदे सीगे, आ 13 16 18 लिया उन्हें किया कि मैं तुसी अज एक चंगी वधिया लीगल कॉलोनी कटना चाहते हो, तुहाडे कोल CLU लेना जी 30-35 लाख रुपया, मैं इलीगल कॉलोनी का काम कर रहा मेरे लिए रेगुलराइजेशन पॉलिसी लिया के ला दी 2 लाख रुपये किला, अल्टीमेटली जिहड़ा तुसी भी कहना सी यार मैं इन्ने पैसे क्यों देवां, तुसी भी लीगल वाले इलीगल दे राह पै जांदे सीगे। सो इहदे नाल मशरूमिंग हुई है। असी जदों दी सरकार बनी है असी इहदे च मेजर स्टैप्स ने जिहड़े वो लए ने 18-3-18 तो पहला दिया जिन्या जी लास्ट रेगुलराइजेशन पॉलिसी सी वो तो पहला दिया पॉलिसी जिहड़ियां हैगियां उन्होंने NOC ने जिहड़े वो ऑनलाइन विदिन 15 डेज़ है जिहड़ा वो असी जारी कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं। इशू जिहड़ा हैगा वो उस तो बाद है, हुणे पापरा एक्ट की उलंघना हो जाती है, वो इस तरीके हो जाती कि पापरा एक्ट बनया हुआ है, हाई कोर्ट ने सानू गवर्नमेंट नू कहा कि एक पासे तुसी पापरा एक्ट बना रखे, दूजे पासे तुसी उहदी रेगुलराइजेशन पॉलिसी लिया के उहनू तुसी आप ही उलंघना करी जांदे, जे तुसी एक्ट नू मनना ही नहीं है तो उहनू खत्म कर दो। सो ये कई कॉम्प्लीकेशन ने जी, गठा ने जिहड़ियां गुंझलां ने जिहड़ियां उहनां नू असीं सुलझाउण लगे होए आ। कई वारी हत्थां दीआं दित्तीआं गठां वो मूँह नाल खोलणियां पैंदियां ने, इस तां वो कम कर लगे होए आ।